हेलो स्टूडेंट्स, तो मेटलर्जी के इस वीडियो में जो कि हमारा लास्ट वीडियो है मेटलर्जी में, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलॉयज के बारे में। देखिए एलॉयज क्या होते हैं, इसको समझते हैं। हमने एक बेस मेटल ले लिया, मतलब एक अपना मेन मेटल ले लिया मोल्टन स्टेट में, और उसमें दूसरे एक मेटल को मोल्टन स्टेट में मिला दिया, या किसी नॉन मेटल को। अधिकतर केसेस में मेटल को मिलाते हैं, कुछ केसेस में नॉन मेटल को। मींस हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया एक बेस मेटल का और दूसरे मेटल्स को उसमें मोल्टन स्टेट में मिलाया या किसी नॉन मेटल को मिलाया एक फिक्स प्रोपोर्शन में। उसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रख के जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमको जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको एलॉय कहते हैं। भाई इसको बनाने का फ़ायदा क्या है? इसको बनाने का ये फ़ायदा है कि हमको जो प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होंगी एलॉय में वो डिफरेंट फ्रॉम दो कॉम्बाइनिंग कॉम्पोनेंट यानी मेटल्स और नॉन मेटल होंगी, और एक बड़ा ये स्ट्रॉन्ग यूजफुल स्ट्रक्चर तैयार होता है जो वेरियस पर्पजेज में यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको ये पहली पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एलॉय क्या है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाई एडिंग द मेटल और नॉन मेटल टू ए बेस मेटल। एक बेस मेटल लेते हैं, उसके साथ में मिलाते हैं दूसरे मेटल या नॉन मेटल को इन ए फिक्स प्रपोर्शन टू ऑप्टेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, जैसा हम चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टीज को ऑप्टेन करने के लिए। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने, जैसा मैंने अभी बोला आपसे कि ये लिक्विड स्टेट में मिलाए जाते हैं, तो इनको गर्म किया और मिला दिया कॉम्पोनेंट्स को बेस मेटल के साथ में, तो ये लिक्विड स्टेट में तो आपस में मिसेबल हैं, मिल गए, और जब ठंडे होके सॉलिडिफाई हुए तो भी ऐसे ही रहने चाहिए, ये नहीं हो कि वो अलग हो गए। तो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी जो ध्यान देने की बात है वो है कि इट्स कॉम्पोनेंट मस्ट बी मिसेबल इन द लिक्विड स्टेट एंड नॉट गेट सेपरेटेड ऑन सॉलिडिफिकेशन, अलग ना हो जाए तो तभी वो एलॉय कहलाएगा। ये तो एलॉय के बारे में हो गया। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, जैसा मैंने बोला, होंगी वो इंटरमीडिएट बिटवीन कंबाइनिंग कॉम्पोनेंट्स होंगी। एक चीज हम और यूज करते हैं जो अलग से डिस्कस कर लें, जिसे हम कहते हैं एमलगम। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज होता है, जगह जगह इसका बहुत यूज होता है, वोल्टेक्सेल में इसका यूज होता है। एमलगम एक स्पेशल तरह का एलॉय है जो सिर्फ मरकरी को बेस मेटल मान के बनाया जाता है, यानी मरकरी को बेस मेटल ले रहे हैं उसमें हम दूसरे मेटल्स को मिला रहे हैं, तो जो तैयार होता है वो एमलगम कहलाता है। तो इट इज एन अलॉय इन विच वी आर टेकिंग द बेस मेटल एज मरकरी। तो देखिए एग्जाम्पल है सोडियम मरकरी एमलगम, जिंक मरकरी एमलगम, मैंने सोडियम और मरकरी को मिलाया, जिंक और मरकरी को मिला के एमलगम बना दिया। इन दिस वे आपने एलॉय का एक ये वर्किंग इसके बारे में देख लिया। एलॉय के बहुत सारे यूजेस हैं वेरियस तरह के, जिनके बारे में अब हम लोग चार पांच तरह के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लें एलॉय के एग्जाम्पल्स में कॉपर और जिंक कॉम्बिनेशन के एलॉय। देखिए कॉपर और जिंक के एलॉय में प्रीडोमिनेंटली कॉपर और जिंक एज ए बेस मेटल है, इसके साथ में और भी चीजें मिली हुई हैं। तो देखिए पहला है ब्रास। ब्रास में कॉपर होता है 60-80%, जिंक होता है 40-20%। ये दोनों को मिला के बनाते हैं, बेसिकली मेनली कॉपर होता है इसमें। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जैसा मैंने बोला एलॉय को एक स्पेशल पर्पज से बनाते हैं, तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ये बहुत हार्ड हो जाता है, लस्टरस हो जाता है, चमकदार, आसानी से कास्टिंग की जा सकती है, अब इसकी मैलिएबल है, डक्टाइल है, तार बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, और इसको बिजली की फिटिंग्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने में यूज किया जाता है, और मेडल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ब्रास को। दूसरा आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर 80%, जिंक 1% और स्टेनलेस 19%। ये भी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन ब्रिटल भी होता है और पॉलिश की जा सकती है, आसानी से चमकदार पॉलिश आ जाती है इस पे, तो स्टैच्यू बनाने के लिए, मेडल बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है, निकल होता है 20%। ये हार्ड होता है और सिल्वर जैसा चमकदार हो जाता है, आसानी से पॉलिश की जा सकती है इस पे, तो इसका यूज हम डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डिजाइनिंग वाले आर्टिकल बनाने के लिए करते हैं। आता है गन मेटल। गन मेटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉपर 88% है, जिंक 1% है, स्टेनलेस 10% है और लेड 1% है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये गन मेटल है, ये बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, आसानी से कास्टिंग की जा सकती है, और इसका कैनन्स और बैरल, बंदूक की जो बैरल है और कैनन्स तोपों के बनाने में इसका बहुत यूज होता है। उसके बाद आता है बेल मेटल। नाम से पता लग रहा है घंटी, तो बेल मेटल में कॉपर 80% है और स्टेनलेस 20% है। ये ब्रिटल होता है, सोनोरस होता है, आवाज प्रोड्यूस करता है, तो इसका यूज घंटियां बनाने के लिए, गोंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गए कॉपर और जिंक के एलॉय। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं,
तो अब एल्यूमिनियम के अलॉय को देखें तो देखिए इसमें पहला एग्जांपल है ड्यूरेल्यूमिन। ये जो है एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 0.5%, मैंगनीज 0.5% और कॉपर 4% के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ये बहुत हल्के वजन का होता है लेकिन बहुत टफ एंड स्ट्रांग होता है, और एयरक्राफ्ट में, टूल्स में और कुकर्स में, प्रेशर कुकर्स को बनाने में इनका यूज होता है, एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरा है मैग्नीलियम, इसमें एल्यूमिनियम 95% है, मैग्नीशियम 5% है, तो इसमें इस कॉम्बिनेशन के बनाने से जो एलॉय बनता है वो बहुत हल्के वजन का होता है लेकिन बहुत हार्ड होता है और रेजिस्टेंस दिखाता है कोरोजन के लिए, एसिड अफेक्ट इस पर नहीं होगा तो कोरोसिव रेजिस्टेंस होती है इसमें। इसको भी एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए अगला आता है लेड के एलॉय। लेड में पहला है बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन है जो आप जानते होंगे, सोल्डर। इसमें लेड 95% और स्टेनस 5% होता है। सोल्डरिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि स्टेनस इसके मेल्टिंग पॉइंट को, लेड के मेल्टिंग पॉइंट को लाके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर देता है, तो हम इससे सोल्डरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स को जोड़ने के लिए, वायर्स को जोड़ने के लिए। दूसरा है टाइप मेटल। टाइप मेटल में लेड 75%, स्टेनस 5% और एंटीमनी 20% होता है। ये जो इस एंटीमनी और स्टेनस हैं ये इसको सॉलिडिफाई करके एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं इसकी, तो टाइप मेटल का यूज़ हम प्रिंटिंग ब्लॉक्स में, प्रिंटिंग की प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग के जो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पर उसको बनाने के लिए करते हैं। इन दिस वे आपने ये देखे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अलॉय की, तो अब देखिए आयरन के अलॉय। आयरन के दो तरह के अलॉय हैं, स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील। देखिए स्टील और स्टेनलेस स्टील और निकल स्टील तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टील का मतलब आयरन होता है, जो पिग आयरन आप ऑप्टेन करते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में वो स्टील अलग चीज़ है, और जो स्टेनलेस स्टील है ये एक अलॉय है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, 75% आयरन होता है, निकल 10%, क्रोमियम 15% और साथ में नॉन मेटल होता है। देखिए अभी तक ये हमने जितने इससे पहले के एग्जांपल पढ़े वहाँ सिर्फ मेटल के कॉम्बिनेशन थे। ये पहला एग्जांपल आया आयरन और आयरन में जिसमें नॉन मेटल भी जुड़ा हुआ है मेटल के साथ में। तो बेस मेटल आयरन में कार्बन है 0.5% है नॉन मेटल, तो इससे क्या बेनिफिट होता है। इसमें निकल क्रोमियम लश्कर या चमक प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन हार्डनेस इम्पार्ट कर देता है, तो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाता है जिसके हम अपने घर में बर्तन बनाते हैं, यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स में, कटलरी में, ऑटो पार्ट्स में इनका यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमन यूज़ है हमारी लाइफ में इसका। फिर आता है निकल स्टील। निकल स्टील में आयरन 97% होता है, निकल 2% और कार्बन 1%, देखिए नॉन मेटल है। ये तीनों सब मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एलॉय बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, तो इसलिए इसका यूज़ केबल्स बनाने में, बड़े बड़े जो लोहे के वायर होते हैं बनाने में करते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में करते हैं। तो इन दिस वे बच्चों आपने आज यहाँ पे एलॉय का डिटेल डिस्कशन भी पढ़ लिया। इन दिस वे हमारा मेटलर्जी का चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगले वीडियो से आप लोग देखने वाले हैं अब नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।